कितना आगे बढ़ा जमाना, फिर भी किस्सा वही पुराना, अब है नया संसार बनाना। पढ़ना है पढ़ाना है सबको साक्षर बनाना है, पढ़ना है पढ़ाना है सबको साक्षर बनाना। अब तो शोषण से लड़ना है, नया समाज हमें गढ़ना है, प्रगति की राह पर चलना है, सपनों को साकार बनाना है। पढ़ना है पढ़ाना है सबको साक्षर बनाना। नमस्कार, हम फिर हाजिर हैं ज्ञानदीप के साथ। आजकल खेल कूद में सबसे लोकप्रिय खेल कौन सा है, इसके जवाब के लिए आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और ना ही इसका जवाब देने पर मैं आपको कोई इनामी रकम देने वाली हूँ, क्योंकि इसका जवाब बहुत ही सरल और आसान है। जी हाँ, वो खेल है क्रिकेट। और आज जब ये खेल हमारे देश के हर तबके हर व्यक्ति का लोकप्रिय खेल है, तो भला महिलाएं पीछे क्यों हटें? जी नहीं, सिर्फ देखने में ही नहीं, खेलने में भी। और देखिए कौन क्रिकेट खेल रहा है, शहरी बालिकाएं नहीं, हमारी ग्रामीण महिलाएं। ये क्रिकेट खेलती महिलाएं सिर्फ क्रिकेट की लोकप्रियता का प्रतीक नहीं, ये प्रतीक है महिलाओं में बदलाव का। कहाँ तो हम हमेशा क्रिकेट को पुरुष प्रधान समाज के साथ ही जोड़ते रहे, और कहाँ ये महिलाएं दिल्ली मुंबई की महिलाएं नहीं, छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव मॉडल टाउन की महिलाएं हैं, जो खेल रही हैं मस्ती के लिए, मनोरंजन के लिए। अपने अपने शौक भी है, अपने मनोरंजन के लिए खेलते हैं। अमिता मुरानी इसे खेल और व्यायाम की नजर से देखती है। खेलने से शारीरिक व्यायाम हो जाता है एक तरह से, और आदमी हल्का थोड़ा महसूस करता है, थोड़ा मनोरंजन भी हो जाता है उसका। तो खेलना बहुत जरूरी है। यही है कि जो महिलाएं हैं काम काज में इतनी व्यस्त हो जाती हैं, और जो पुराने जो अपने खेल हैं वो भूल जाती है, और इससे क्या होता है कि वो वहीं फंस के रह जाती गृहस्थी में। कुसुम देवी इसे महिलाओं में आई जागृति बताती है। महिलाओं में भी जागरूकता आ गई है, सब आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं। सच में इन्हें क्रिकेट खेले में विशेष आनंद आ रहा है, पर इनके बीच इस खेल की शुरुआत हुई कैसे? महिलाओं में आई जागृति और आत्मविश्वास के पीछे है यहाँ का जन विकास केंद्र। जैसा नाम वैसा काम, ये यहाँ के लोगों के विकास का माध्यम बने, ऐसी सोच के साथ सतत शिक्षा अभियान के रूप में इसे शुरू किया गया था। छत्तीसगढ़ के सिर्फ दुर्ग इलाके में ही निरंतर शिक्षा कार्यक्रम जोरों से चल रहा है। यहाँ गांव वालों के लिए न सिर्फ क्रिकेट बैडमिंटन जैसे खेलों की व्यवस्था है जो मनोरंजन प्रदान करे, बल्कि एक पुस्तकालय भी है जहाँ से ये लोग किताबें ले जाते हैं। जहाँ से ये लोग किताबें अपने घर ले जाते हैं या यहाँ बैठकर पढ़ लेते हैं, और पढ़ लेने के बाद लौटा देते हैं। यहाँ पढ़ने का जो माहौल है वो इन नवसाक्षरों को न सिर्फ आगे पढ़ाई के लिए प्रेरित कर रहा है, बल्कि उनमें देश विदेश की खबरों के प्रति और जीवन स्तर सुधारने के प्रति भी रुचि पैदा कर रहा है। नवसाक्षर आशा रोबान को इसमें बहुत फायदा नजर आ रहा है। यहाँ आने से हम लोग को बहुत फायदा हुआ है, लोगों में हमारी पहचान हुई है, मान सम्मान भी मिला, और हमारे मोहल्ले में भी हम लोग बहुत जागृति कर पाए हैं, महिलाओं को इकट्ठा कर पा रहे हैं, और बहुत छोटे मोटे झगड़ों को भी सॉल्व कर पा रहे हैं, और हम लोग में एकता इतनी हो गई कि हम लोग एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए हर समय तैयार होते हैं। हेमू जान गई है कि जिंदगी में ज्ञान कितना महत्वपूर्ण है। हम लोग को भी ऐसे ज्ञान थोड़ा थोड़ा प्राप्त हुआ, कुछ जान सके और कुछ बोल सके, अब कुछ पढ़ा भी सकते हैं बच्चे लोग को। और पढ़ने के इस शौक ने ही कंचन नाग जैसे को पांचवी और फिर आठवीं की परीक्षा देने की ओर धकेला। तो छठी का एडमिशन कराने के पैसे नहीं मिले, तो फिर मैं यहाँ पढ़ने आई, तो सर जी लोग की सहायता से मैं आठवीं का परीक्षा दिलाऊंगी, और यहाँ आने से मैं ज्ञान विज्ञान की बातें प्राप्त हुई है। प्रेरक पवित्रा शर्मा बताती है, ये
भिलाई का मॉडल टाउन क्षेत्र है और यहाँ पर साक्षरता के द्वारे से जन विकास केंद्र चलाया जाता है और ये मुख्य नोडल जन विकास केंद्र है। यहाँ पर प्रौढ़ शिक्षा केंद्र, जन विकास केंद्र, उसके बाद में महिला शिक्षा केंद्र, प्रौढ़ शिक्षा क्लासेस और उसके बाद एक छोटी सी लाइब्रेरी चलती है जिसको हम लोग जन विकास केंद्र की लाइब्रेरी कहते हैं। और लाइब्रेरी की किताबें भी इनकी रुचि के अनुसार और इनकी जरूरतों के अनुसार रखी गई हैं। अंधविश्वास को मिटाने संबंधी कुछ किताबें हम लोगों ने रखी हैं और जो छत्तीसगढ़ परिक्षेत्र से जुड़ी हुई ख्याति प्राप्त विभूतियां हैं उनकी भी उसमें चर्चा की गई है, जैसे पंडवानी गायिका तीजन बाई की कहानी है और छत्तीसगढ़ क्षेत्र के जो पुराने प्रणेता लोग हैं उनके बारे में छोटी छोटी किताबें यहाँ पर रखी गई हैं। और जाहिर है जागृति आती है, बढ़ती है तो इसका असर जीवन से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर पड़ता है। सबके संग यहाँ मिलजुल कर बैठने की आदत शुरू हुई यहाँ साक्षरता क्लास के कारण। सभी की मंजिल एक थी, साक्षर बनना, सो पढ़ने लिखने में एक दूसरे का साथ दिया। फिर जब जन विकास केंद्र शुरू हुआ तो नए ज्ञान के साथ आए आत्मविश्वास ने इन्हें केंद्र की खूबियों को पहचानने का नजरिया भी दिया। सबसे पहले निरक्षरता और साक्षरता के बीच के फर्क को पहचाना। पहले घर पे रहते थे हमेशा, तो बाहर नहीं जाते जाते थे तो थोड़ा डर टाइप का लगता था। अब बाहर आने जाने लगे हैं तो बातचीत में किसी में डर वर नहीं लगता है। अब दीदी बैंक में भी समिति में अपन को ही अध्यक्ष चुना गया है, थोड़ा तो आना जाना भी कर लेते हैं बैंक वगैरह भी। सही मायने में अब ये लोग एकता की डोर से बंध गए हैं। जन चेतना से जो मॉडल टाउन के यहाँ के जो लोग रहते हैं श्रमिक लोग में एक जागृति है। जैसे कोई कार्यक्रम पहले होता था यहाँ तो यहाँ के लोग इकट्ठा नहीं होते थे, अब क्या जब भी कार्यक्रम होता है तो लोग बिल्कुल इकट्ठा हो जाते हैं और पूरा सहयोग देते हैं। मकसद हर बात का एक ही है, गांव का विकास और हरेक का व्यक्तिगत विकास, तभी तो साक्षरता का सही फायदा सामने आता है। आगे पढ़ने की इतनी इच्छा जग रही है कि जो नव साक्षर 5वीं-8वीं की परीक्षा देना चाहती है, वो लड़कियां जो स्कूल ड्रॉप आउट्स है या कभी स्कूल नहीं गई, उनके बीच भी ये केंद्र बहुत लोकप्रिय है। अध्यापिका कंचन शर्मा कहती है, यहाँ पे तो जो मतलब पढ़ाई नहीं कर पाते हैं गरीबी की वजह से या आर्थिक तंगी के कारण से या पारिवारिक कारण से जिनकी पढ़ाई छूट जाती है, उनके लिए ये स्कूल चलाया जा रहा है। तो उनको ये फायदा है कि वो काम करते हैं और साथ ही अपनी पढ़ाई भी जारी रख सकते हैं और यहाँ पर किताबी ज्ञान के अलावा उनमें नैतिक और बौद्धिक विकास भी होता है। साथ में सब मिलजुल के यहाँ पे कार्य करते हैं जिससे इनमें आत्मविश्वास और जितनी भी भावनाएं हैं अच्छी वो सब पैदा होती हैं। सुनीता ने 8वीं की परीक्षा दी है, अब चाहती है पढ़ लिख के कुछ करना चाहती हूँ। मैडम जी मैं भी चाहती हूँ कि ऐसी पढ़ाऊँ, सबको पढ़ाऊँ। आगे बढ़कर औरों को पढ़ाने की चाहत पिंकी भी रखती है। मैं आगे बढ़ के और पढ़ना चाहती हूँ, भगवान की दया से हो तो मैं साथ पढ़ के और भी बच्चों लोग को पढ़ाऊँ। मेरी यही क्षमता है कि मैं पढ़ूँ और आगे लोगों को पढ़ाते रहूँ। पिंकी का तो ध्यान गांव के विकास की ओर भी है। इस एरिया के विकास के लिए खास तौर तो यहाँ की सफाई ज़्यादा जरूरी रहती है, जो कि अधिकतर यहाँ के नगर निगम लोग ये सब ध्यान नहीं देते हैं। फिर भी इधर के लोग को सोचना चाहिए, फिर भी इतना गंदगी मतलब फैला रहता है, थोड़ा बहुत साफ सफाई ज्यादा जरूरी रहना चाहिए, इसी कारण बीमारी मतलब फैलती जाती है। इस केंद्र की खासियत भी यही है, हर एक की जरूरत की यानी कि हर एक के व्यक्तित्व सुधार की जरूरत की चीज उपलब्ध है। 8वीं परीक्षा की तैयारी यहाँ हो रही है, दूसरे कमरे में पुस्तकालय है और एक तरफ दीदी बैंक की बैठक। तभी शोभा ठाकुर जो दीदी बैंक की अध्यक्ष है कहती है, दीदी बैंक में भी समिति में अपन को ही अध्यक्ष चुना गया है, थोड़ा तो आना जाना भी कर लेते हैं बैंक वगैरह भी, ऐसे करके थोड़ा अभी ठीक है। और इसके लिए आगे बढ़ने का मतलब हुआ अपने आप को थोड़ा उठाना है ऊपर ठीक से। एक तरफ तरक्की, खुशहाली और आधुनिकता की ओर बढ़ती हैं छत्तीसगढ़ की ये महिलाएं और वहीं दूसरी ओर आज भी सामाजिक कुरीतियों और प्राकृतिक विपदाओं से जूझती राजस्थान की ये महिलाएं। रेगिस्तान के जीवन की कठिनाइयों से हम सभी परिचित हैं पर मुश्किलों से जूझना भी इनके खून में है। आज पिछड़े इलाकों की इन महिलाओं ने स्वयं सहायता समूह की सदस्यता ले ली है। नतीजा, किसी के हाथ में पैसा, वो भी गरीब के हाथ में पैसा और उस पर खुद का पैसा, कितने आनंद की बात है। इन सभी महिलाओं के हाथ में भी अपने कमाए हुए पैसे हैं। ये दृश्य है यहाँ चलाए जा रहे स्वयं सहायता समूह का।
हर महीने ये औरतें अपने समूह द्वारा चलाए जा रहे बैंक में 50 रुपए जमा करती हैं और इसी बैंक से बाद में जरूरत पड़ने पर ऋण लेती हैं। राजस्थान के फलोदी शहर के नजदीक बसे मोरिया, मुजसर और दूसरे गांव की महिलाएं विभिन्न स्वयं सहायता समूह की सदस्य है। हर 10 महिलाओं पर एक समूह है। सुरजी कहती है इसका बहुत फायदा है। फायदा है, मैं जमे करो जनबीर मत लोन ले लो, मार कोई घर में काम दे जो है तो लोन ले लो, मैं 10 लोग मिलजुल फायदे में जरूरत हो जाए तो मैं दे दो मैंने और फायदा है ऐसा। पुष्पा अपने आनंद को यूं बयान करती है कि समूह लुगाया 10 लुगाया बेली करी, 10 लुगाया बेली कर मीटिंग करी, सब समूह बनाए तो और खने लुगाया खने कोई खर्ची होती नहीं, ऐसा इतनी बहुत ही खर्ची होती नहीं। पुष्पा का कहना है कि आदमियों के पास हमेशा ही जेब खर्च के पैसे होते हैं पर औरतों के पास नहीं होते थे, अब उनके पास इस योजना की वजह से पैसे आ रहे हैं। इसके अलावा औरत का पैसे पर हक भी है क्योंकि वे इतनी मेहनत करती है, आदमी तो शराब पर पैसा उड़ा देते हैं, औरतें वही पैसा अपने बच्चों की और परिवार की भलाई पर खर्च करती हैं। औरतें तो ये मजदूरी करते हैं कि कहने तो आदमी का खास कमाता है तो वे कह रही है गरीबी है जो औरतन तो क्या हम खाने दौड़े नहीं है तो मैंने तो मजदूरी करनी पड़ी जान खर्ची नहीं और आदमी कोई पी तो है तो कोई तो आदमी भलो है जो कमान लुगाई गाल तो क्या कमाई जनी और कोई अपीन गाल जाओ तो जरा कोई दारू पी जाओ कमाओ तो कोई जरा बस बावड़ी लुगाई गई करे और कोई तो न गए नहीं कोई तो लुगाई ने परोट कोई तो हमें अपीन खावे जो कोई उराबर अपीन अपीन खर्च निकले और वह लुगाई कहीं खावे है। शकु देवी यहाँ पर साथिन का कार्य करती है, ये इस समूह की प्रेरणा है, खूब मेहनत करके इसने सबको इकट्ठा किया। हम 10 जनी भेड़ी हूँ नुआ जना में 20,000 रो 30,000 रो लोन उठा लो जना में मोरे की नहीं पैसे री जरूरत हुए जकने में डरा दो यानी में मोरे घर में ही जरूरत हुए तो में मोरा दस्तखत करान पैसा ले सको नियमों ने पायो होने सोनी माते मिले को और इसका फायदा भी है। मोने फादो यो यो सा कह के मोर गांव में पैसो मिले कोनी जना मोरे ओ सेम खोलने उ मोने पैसो मिल जावे बैंक में जाओ जा ओ फादो। जब से स्वयं सहायता समूह चल रहा है तब से इन गांव की औरतों में बदलाव भी काफी आया है। ओदना औरतों में तो बदलाव आयो के औरतों कने पयो को तो नी एन हमें ओ सेम खोलियो जना औरतों जावे जना सेम माऊ में बैंक मा तो लोन ले लो जना मोने ओ बदलाव आ गयो औरत कने पयो नहीं औरत कन पयो कोन के पचा कमाया पचा उपट गया घर में जन बचत तो वे कोन जमे खाते ए मे 50 रुपया 5-5 रुपया रा कन जमे करो जन मोरे जमे खाते हो। इस बदलाव को तो असलाराम भी स्वीकारते हैं और फर्क का मुख्य कारण साक्षरता है। पढ़े में फर्क ये साक्षरता के कारण मूल रूप से शांत और चुपचाप शोषण स्वीकारने वालों में भी बदलाव आया है। पढ़ूड़ी नहीं हुए जना तो मोने हम थे फोंस दो तो उठ फोंस ले जाऊं यानी मारा 10 हुए तो लारे 10 रह जाए तो मंठा पड़े कोनी पढ़ूड़ी हुए तो कह दे के मारा 10 लारे रह गया आ इतो फेर पड़े। यहाँ साक्षरता की हवा तो संपूर्ण साक्षरता कार्यक्रम के दौरान ही चल पड़ी थी पर जहाँ औरतों में साक्षरता दर 15-20 के बीच हो वहाँ की मुश्किल स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है पर इसे चुनौती मानकर साक्षरता कर्मी आगे बढ़े और गांव-गांव के लोगों को जागृत किया। साक्षरता प्रभारी अर्चना कहती है इन लोगों का तो फायदा बहुत हुआ, मतलब सब कोई सीख गए पढ़ने के लिए है, गणित वनित सब जानकारी हो गया, मतलब हिसाब किताब पूरा कर लेते हैं हर चीज में पढ़ाई में, कहीं भी चीज लावन जाओ तो हिसाब पूरा कर लो नहीं तो भूल जाते, नहीं गिनती वगैरह नहीं आते तो गिनती सीख गए, इसलिए बावरी को भी यहाँ आना बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। विमला बदलाव को अपने नजरिए से देखती है। मेरे में बहुत सारा बदलाव आ गया, पहले तो मतलब मैं यहाँ बाहर गांव में रहती थी तो मतलब कोई साफ सफाई की कोई मतलब हमको जानकारी नहीं थी, पढ़ने से इतनी मिली है कि मतलब नाखून नहीं बजाना चाहिए और सफाई रखनी चाहिए, पहले घर की सफाई रखनी चाहिए और खुद की सफाई रखनी चाहिए, गंदगी नहीं रहनी चाहिए घर में, गंदगी से बीमारियाँ होती है और कहीं भी जाए तो हम मतलब बाहर शहरों में जाए तो गाड़ी में पहले मतलब झिझक रहती थी, मन में डर रहता था और अब डर नहीं लगता है, कहाँ भी जा सकते हैं। और अब स्वयं सहायता समूह चल निकला तो ये सोचती है कि अत्याचार के खिलाफ भी एकजुट हो सकती है। हमारी कोशिश तो यही है
कि मतलब ज्यादा ज्यादातर लुगाई का जो शोषण होता है उनको मिटाएंगे और बहुत ज्यादा साक्षरता फैलाएंगे। सही वातावरण बनने के बाद इनकी प्रेरक इन्हें किताबों की दुनिया में ले जाती है, ऐसी दुनिया में जहां शुरू होते हैं इनके सपने। चूंकि इनमें कुछ महिलाओं ने ऋण लेकर कशीदाकारी, जूती बनाने वगैरह का काम शुरू किया है, तो हरेक के मन में ये भाव आ गया है कि मैं भी कुछ कमा सकती हूँ। एक ने कशीदा करिया, कोई मशीन लेना है, कोई मशीन, कोई आप जूती रहा, कोई सब्जी रहा दुकान खोलिया, कोई किराने दुकान, कोई मनियारी की दुकान, उसको बहुत खुशहाली लगती है, पैसा आती है, मैं कितना कमाया, चलो मैं भी कमाऊं जरूरी होगी। आज राधा जैसी महिलाएं भी ऋण लेकर कशीदाकारी का व्यापार कर रही हैं और अपने हाथ में अपने कमाए पैसे से खुशी का नया अंदाज महसूस कर रही है। साक्षरता के जब फायदे होने लगते हैं तो सभी को अच्छे लगने लगते हैं, पर जरा लोगों को फायदे की पथ पर आगे बढ़ाने की मुहिम शुरू करने वाले से पूछिए क्या क्या नहीं करना पड़ता। भोले भाले ग्रामीणों के बीच जागरूकता फैलाने के लिए क्या क्या हथियार इख्तियार नहीं करने पड़ते। है तो ये असम का एक पारंपरिक नृत्य, पर ये नर्तकी गाने की धुन के बीच साक्षरता का, ज्ञान का, नए विचारों का संदेश दे रही है और सुनने वाले ये गांववासी नर्तकी की ताल में ताल मिलाते बड़े जोश से ताली बजा रहे हैं। ये बता रही है ज्ञान विज्ञान के फायदे, किस तरह जहां जहां ज्ञान का प्रकाश फैलता है वहां वहां लोगों में बदलाव आ रहा है। पारंपरिक शैली में प्रस्तुत किए गए इस नृत्य के बोल को पुरानी धुन पर ही ढाला गया है, जिससे ये ग्रामीण गाने से अपनी पहचान भी बना सकें और गाने के बोल का मतलब समझ सकें। ये नृत्य इनके बीच होता रहता है। यहाँ ये समझाया जा रहा है कि साक्षर होने के बाद स्वयं सहायता समूह में लोगों की भागीदारी ज्यादा प्रभावी रहेगी, साक्षरता के बाद वे गांव के विकास कार्य को अधिक कुशलता से कर पाएंगे। चारों तरफ है हर्ष उल्लास और खुशी का एहसास। इन देखने वालों में डोंबरू बनिया भी है, जिसे आज खुशी क्या है उसका होश तो है, पहले नशे में इतना डूबा रहता था कि खुशी के पलों का आनंद उठाने तक का होश न था। उसके नशे की आदत की वजह से उसके घर वाले, खासकर पत्नी, बहुत दुखी थी। उसकी लाख कोशिशों के बावजूद उसने पीना नहीं छोड़ा। गाँव वालों ने भी बहुत जोर दिया, खूब समझाया, पर इसकी अकल पर तो पर्दा पड़ा हुआ था। फिर अचानक एक दिन एहसास हुआ कि उसकी सेहत पर बहुत ही नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। उसे ये भी एहसास हुआ कि उसे काम पर भी शराब की लत की वजह से दुत्कार मिलती थी। कहते हैं जब अंदर से आदमी बदलना चाहे तो जरूर बदल सकता है। डोंबरू बनिया भी बदला, उसने नशे की लत को छोड़ा तो गांव वालों ने उसे प्यार से स्वीकारा। जो गांव वाले उसकी हरकतों को लेकर परेशान थे वही इसके बदले रुख से खुश हुए और ये उनके साथ मिलकर गांव के विकास की चर्चा में जुड़ गया। डोंबरू पढ़ा लिखा था, साक्षरता का संदेश समझ गया था, इसीलिए उसने बीड़ा उठाया गांव के निरक्षरों को अक्षर ज्ञान देने का। अभी साक्षरता क्लास का प्रेरक है। इसकी कहानी लोगों के बीच कौतूहल का विषय जरूर है, पर लोगों की इस पर श्रद्धा भी बहुत है, कारण इसके पढ़ाने का तरीका रोचक है। क्लास में भी ये पारंपरिक नृत्य का इस्तेमाल करके पढ़ने के फायदों से लोगों को अवगत करवा रहा है। इसका उत्साह देखकर गांव वाले भी उत्साहित हैं। ये क्लास एक क्लब की जगह है, पर चूंकि साक्षरता केंद्र से गांव की भलाई है इसीलिए ये जगह इस केंद्र को चलाने के लिए दी गई है। अब डोंबरू बनिया का मानना है कि उसका जीवन सार्थक हो रहा है क्योंकि वो सकारात्मक काम कर रहा है। उसका भी गांव के विकास में और अपने ग्रामीण भाइयों की बेहतर जिंदगी की दौड़ में योगदान है। कौन कहता है गलत रास्ते पर चलने वाला सही रास्ते पर नहीं आता,
और ये सुबह का बूढ़ा शाम घर लौट आया है तो सभी के लिए खुशी की बात है। तो देखा आपने किस तरह उत्तर पूर्वी इलाके सिपाजर में पारंपरिक नृत्य के जरिए गाने की धुन के बीच में साक्षरता का संदेश दिया जा रहा है। और यहाँ उत्तर प्रदेश के सीतापुर इलाके में जहाँ निरक्षरता का अंधेरा काफी गहरा था, सभी लोगों के बीच अनूठे प्रयासों से जैसे पोस्टर प्रतियोगिता के जरिए जागरूकता फैलाने का काम उठाया जा रहा है। पोस्टर बनाकर उसमें रंग भरती हुई ये महिलाएं किसी चित्रकला प्रतियोगिता में भाग नहीं ले रही हैं, बल्कि ये तो इनका एक तरीका है लोगों में जागरूकता फैलाने का। ये वे महिलाएं हैं जो नवसाक्षर हुई हैं और कुछ तो अभी साक्षर हो रही हैं। इन पोस्टरों के माध्यम से ये महिलाएं लोगों को पल्स पोलियो, टीकाकरण, जनसंख्या वृद्धि जैसी समस्याओं के प्रति जागरूक करती हैं। पोस्टरों को बनाने के बाद इन्हें गाँव के घरों और स्कूल की दीवारों पर लगाया जाएगा, जिससे लोग इन्हें पढ़ें और इन बातों पर अमल करें। ऐसा नहीं है कि ये महिलाएं हमेशा से इतनी ही जागरूक थीं। कुछ साल पहले इनमें से ज्यादातर महिलाएं बिना पढ़ी लिखी और घर के अंदर पर्दे में रहने वाली थीं। आज इनमें ये जागरूकता आई है चलाए जा रहे संपूर्ण साक्षरता कार्यक्रम से। लेकिन एक समय वो था कि लोग अशिक्षित होने के कारण अंधेरे में अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। लोग अपने बच्चों को पढ़ाते नहीं थे, लड़कियों की शिक्षा का तो प्रश्न ही नहीं उठता, लोग अपने लड़कों को भी नहीं पढ़ाते थे। साक्षरता केंद्र में पढ़ाई कर रही गुड्डी देवी बताती हैं कि पुराने समय में बच्चों को ना पढ़ाने का कारण क्या था। जो माँ बाप जिसके नहीं पढ़े थे वे अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते, कोई ना कोई परेशानी उनके पास थी, इसीलिए वे नहीं पढ़ा पाते हैं। अब जो है तो बहुत सी सुविधा सरकार ने दिया है कि उजीफा है और गेहूँ मिलते हैं, तो इसी तरह से अपने अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं। सच है, जब पहले के लोग खुद ही शिक्षित नहीं थे तो अपने बच्चों की शिक्षा के प्रति उतना जागरूक भी नहीं थे, लेकिन आज केंद्र में पढ़ाई कर रही ये महिलाएं शिक्षा को सबके लिए जरूरी मानती हैं। विद्या का कहना है कि लड़कियों को पढ़ाई करना ज़्यादा जरूरी है। अब बाप महतारी के पहले ऐसे रवाजे रहे जो कि मतलब नहीं पढ़ावत रहे, लड़कियों को पढ़ावत रहे, लड़कियों को नहीं पढ़ावत रहे। अब तो लड़कियों को ज़्यादा जरूरी, मतलब घर बार देखना, हर एक चीज देखना, इसीलिए ज़्यादा लड़कियों को पढ़ाया जाता है। और जब पढ़ने वाले इतने अधिक जागरूक हो रहे हैं तो पढ़ाने वाले को खुशी तो होगी ही। इन महिलाओं में साक्षर होने के बाद आ रहे बदलावों को देखकर इस साक्षरता केंद्र को चला रही अनीता मिश्रा बताती हैं। स्वेटर बिनना बताया हमने, स्वेटर बिनेंगी तो पहन बच्चों को पहनाएंगी तो उनको ठंड नहीं लगेगी, बीमारियां नहीं होंगी और हिसाब किताब मतलब पढ़ने से वो गणित के संबंध में भी कुछ जान गई हैं, पैसे रुपये का हिसाब रख सकती हैं, अपने से बड़ों का आदर करना समझने गई हैं। पहले वो किसी से भी किसी भी तरह से बात करती थी, अब सभी से कायदे से बात करती हैं। भलाई का हर काम शुरू करने में बहुत मुश्किलें आती हैं, यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ। महिलाओं को साक्षर बनाना कोई आसान काम नहीं था। सदियों से पर्दे में रहने वाली महिलाओं को एकदम बाहर आने में झिझक महसूस होती थी, लेकिन एक बार केंद्र पर आने लगी तो पढ़ाई में मजा आने लगा। और अब जब साक्षर हो चुकी हैं तो उनका उठने वाला हर कदम आत्मविश्वास से भरा हुआ होता है। ऐसे ही दृढ़ कदमों से चलती हुई ये महिलाएं केंद्र पर आती हैं और पढ़ती हैं। केंद्र पर बैठकर किताब पढ़ना अब मजबूरी नहीं, शौक बन गया है। पहले और आज के समय में इन महिलाओं के व्यवहार में आए फर्क को बताते हुए वे कहती हैं, गांव में बहुत बदलाव आया, सबके घर में साफ सफाई है और कोई किसी से झगड़ा लड़ाई नहीं करते, सिर्फ छोटी छोटी बातों में लड़ाई करते थे, अब उन्हें समझ है कि ये मतलब लड़ाई करने से बेफालतू में झगड़ा पड़ेगा। सीतापुर के गांव पलिया कला की महिलाओं में आई जागृति का प्रमाण है इनका खुले मैदान में बैठकर पढ़ाई करना। वाकई साक्षरता का रंग ही ऐसा है, जिस पर भी ये एक बार चढ़ जाता है फिर उतरता नहीं। आज ये महिलाएं भी जान गई हैं कि शिक्षा हर एक के लिए बेहद जरूरी है और इससे ही उनका आने वाला कल एक नया सूरज लेकर आएगा। जिंदगी में मुश्किलों का कोई अंत नहीं, पर फिर भी हम उनसे लड़ते हैं और विजयी होते हैं। कोयलों की खानों में काम कर रहे मजदूरों की स्थिति का अंदाजा
हम जब लगा सकते हैं जब हम उन्हें काम करते हुए देखें। और हम देखते हैं और बताते हैं कि इसके साथ जब वो निरक्षर थे तब उनका क्या हाल था और अब जब वो साक्षर हो गए हैं अब उनका क्या हाल है। धनबाद यानी धन संपत्ति से आबाद एक ऐसा शहर जहाँ जमीन काला सोना उगलती है। एक तरफ इस शहर की उत्तर दिशा प्रकृति और पहाड़ के मिलन का सूचक है तो वहीं दक्षिण में कोयले की भीषण खान इस शहर की खासियत है। जल जंगल और जमीन के अलावा यदि यहाँ पर कुछ है तो ये है संगठित और असंगठित मजदूरों का एक ऐसा समूह जो मजदूरी करते करते कोयले के रंग में सन चुका है। मजदूरी करना जहाँ इनकी मजबूरी है वहीं कुछ समय निकाल कर कुछ पढ़ लेना इनका जुनून भी है। कमाई बढ़ेगी, बच्चे स्कूल जाएंगे, बाहर ढाका। ये है सुलगती हुई जमीन और धस्ता हुआ शहर झारिया। कोयला ढोने वाले इन मजदूरों का अतीत भी यही है और भविष्य भी। इन्हें स्वयं नहीं मालूम कि काम करते हुए कब वे धरती के गर्भ में समा जाएंगे। रहित पासवान कहता है कि 25 से 30 रुपए रोज कमा तो लेते हैं लेकिन पढ़ने का वक्त तो नहीं मिलता। पढ़ाई लिखाई का पैसे ही नहीं बच रहा है, पढ़ाई क्या करेंगे, बच्चों लोग को क्या पढ़ाएंगे। वैसे पुरुषों का काम मजदूरी करना है चाहे वो कोयले की खुदाई करें या ढुलाई। मजदूरी तो औरतें भी करती हैं, परंतु इनकी मजदूरी में अब एक सपना है और ये सपना है सुख का सपना। और ये सपना देखने लगे हैं साक्षर होने के बाद, क्योंकि तभी से तो ये बदलती हुई दुनिया के रंग पहचान पा रहे हैं, तभी तो ये तरक्की के निशान को देख पा रही हैं, तभी तो ये अपने अंदर उठे जज्बात को पहचान पा रही हैं। गंगा कहती है कि वो पढ़कर नौकरी करना चाहती है। उसके पापा कोयले खान में लोडिंग करते हैं, माँ नौकरानी है। वैसे दिन भर घर घर जाकर चौका बर्तन करने के बाद छवि देवी को पढ़ना उसकी दिनचर्या का एक हिस्सा बन चुका है। सिर्फ उसी का नहीं, उस जैसी बहुत सारी यहाँ महिलाएं हैं। पर उन्हें फिर भी उम्मीद है कि पढ़ने के बाद शायद सरकार नौकरी दे या कोई और, लेकिन वक्त अच्छा आएगा। इसलिए हम करने चाहते हैं, अगर हम सीख लेंगे पूरा तो हम सरकारी द्वार में मुजारी उठा कर हम काम करके खा लेंगे। इसका कहना है कि सरकार पैसे तो नहीं देती पर पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, चौका बर्तन करती है और एक दिन नौकरी जरूर मिलेगी। तो दिन भर ये कड़ी मजदूरी तो कर लेते हैं, वक्त मिलता है तो शाम को। और अब तो इस वक्त में साक्षरता की संध्या पाठशाला में ज्ञान की बातें जानने और समझने के लिए सामूहिक ग्रुप में पढ़ने का मजा ले रहे हैं ये लोग। ये था हमारा आज का ज्ञानदीप। ज्ञानदीप की अगली कड़ी में फिर हाजिर होंगे कुछ और राज्यों के बारे में कुछ और जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार। पढ़ना है पढ़ाना है सबको साक्षर बनाना है। पढ़ना है पढ़ाना है सबको साक्षर।